नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पीएम मोदी अपना 17 सितंबर को अपने जन्मदिन को एमपी दौरे पर आएंगे। इस मौके पर पीएम शोपुर की चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से औपचारिक चर्चा से सीएम शिवराज ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि कोनूपालपुर पार्क में करीब 20 दिन चल रही तैयारियों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि पीएम परियोजना का शुभारंभ कर सकते हैं। अब सीएम शिवराज ने इस पर पर्दा उठा दिया है। पार्क से 15 किलोमीटर दूर कराहल महिला स्वसहायता समिति में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इसी दिन नाम्बिया से 8 चीता श्योपुर पहुंच जाएंगे, जिन्हें पीएम पार्क में स्थित विशेष बाड़े में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों के खाली पद पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2022 को स्वीकृति भी मिली है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का भी प्रस्ताव पास हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघ कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम निवास पर बैठक में आयोजन, कई अहम मुद्दों पर यहां पर भी चर्चा हुई। बैठक में बारिश बाढ़ के कीटाणु से हुई फसलों में नुकसान को लेकर भी चर्चा हुई। कर्मचारियों ने दिए और एचआरए समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ऋण माफी पर राहुल गांधी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि क्या कर्ज माफ हो गया। पंजाब में राहुल ने घोषणा की थी तो क्या वहां भी कर्ज माफ हुआ। नरोत्तम ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से महाकाल दर्शन और नर्मदा नहाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इच्छाधारी हिंदू है राहुल गांधी। वहीं गैंगस्टर एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग पर गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर रोक लगाने के लिए सरकार पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें लगभग 3 महीने लगेंगे। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री अनिल मीणिया ने अगुवाई में पोषण जागरूकता के साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर देश रोशन और गर्वो सुशासित छत्तीसगढ़ के संदेश के साथ रायपुर में मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। रैली में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरमई नायक और विधायक धारसीवा और अनीता योगेंद्र शर्मा समेत बड़ी संख्या में यूनिसेफ और एनएसएस रडार्स ग्रुप के सदस्य भी वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर भेंडिया अनिल बीना ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया और पोषण शपथ भी दिलाई। लगभग 5-6 किलोमीटर की परिधि में यात्रा कर साइकिल रैली मरीन ड्राइव में समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों का उद्घाटन अब 9 और 10 सितंबर को होगा। सीएम भूपेश करेंगे 2 नए जिलों का उद्घाटन। सक्ति, मनिंद्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर होंगे नए जिले। एमपी में दोहरी जिम्मेदारी से बीजेपी नेता मुक्त होंगे। एक व्यक्ति एक पद लागू होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय दौरे पर श्योपुर मुरैना लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें संभव मदद देने के आश्वासन भी दिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कलेक्टर एसपी से लेकर पटवारी तक अपना काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में की सभी अधिकारियों ने लोगों का पूरा सहयोग किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में हावी नहीं है। कटनी में अधिवक्ताओं नायब तहसीलदार में झड़प, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नायब तहसीलदार पर भड़के हैं अधिवक्ता। थाने में अधिवक्ताओं ने किया है हंगामा और विजयराजगढ़ में तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना में रिटायर्ड फौजी के घर पर लूट, ज्वेलरी नकदी समेत लाखों की लूट हुई। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लाइसेंसी बंदूक और कारतूस भी चोरी हो गई। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का मामला। सिंगरौली में 75 लाख की एल्युमिनियम वायर चोरी हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 48 लाख रुपए का कीमत का ये एल्युमिनियम बरामद किया गया है। 10 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए।
सीतापुर में गश्त के दौरान घेराबंदी कर एक नक्सली को पकड़ा गया। नक्सली जन मिलिशिया कैडर का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। पकड़ा गया नक्सली सुरेश पुजारी कई घटनाओं में शामिल था। पकड़े गए नक्सली को न्यायालय बीजापुर पेश किया गया है। अंबिकापुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की एक मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा एवं गाड़ाघाट स्थित शराब दुकान का शटर बंद कर विरोध जताया गया। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। महिला मोर्चा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने जनघोषणा में शराबबंदी का वादा किया लेकिन नहीं हुआ। महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार को शराबबंदी का वादा किया याद दिलाया और आगामी समय में सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी। शिवपुरी जिले के अखनिया थाने में लव जुहाद का एक मामला सामने आया जहां एक मुस्लिम युवक अपने प्रेम जाल में बहला फुसलाकर युवती को लेकर भाग गया जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस थाने में कर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। कार्रवाई में इंदौर जा रही बस ने युवक युवती को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं जैसे ही इस घटना की सूचना हिंदी संगठनों को मिली सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और खनिया थाना वाद पहुंच गए और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी। पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों का जुलूस निकाला गया। बलौदा बाजार में कलेक्टरेट परिसर का कलेक्टर रजत बंसल ने औचक निरीक्षण किया। उस दौरान चार अधिकारी अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से रूबरू हुए। कई कार्यालयों में मौजूद आमजनों से भी बातचीत की। जशपुर में परसाबहार में साइकिल से पहुंचा रूसी नागरिक सड़क किनारे हाथी प्रभावित जंगल में टेंट लगाकर रुका हुआ था। विदेशी नागरिक को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जंगल में हाथियों से खतरा। पुलिस ने रूसी नागरिक को तपकरा के सर्किट हाउस में ठहरा दिया है। भारत भ्रमण पर साइकिल से निकला रूसी नागरिक जशपुर के झारखंड होते हुए नेपाल जाएगा। में मलजारकुड़म में जलप्रात में बहे दो युवक में एक का शव बरामद हो गया। दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस और नगर सेना लगातार कर रही है तलाश। बता दें कि सोमवार को नहाते वक्त एक युवक बह गया था जिसे बचाने के लिए दो दोस्त कूदे और तेज बहाव में बह गए थे। अमरकंटक और इससे सटे छत्तीसगढ़ सीमा में जमकर बारिश हुई। बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर से आए पर्यटक दुर्गाधारा जल प्रपात में नहा रहे थे तभी अचानक तेज बहाव को देख पर्यटक बाहर भागे और अपनी जान बचाई। मरवाही वनमंडल के गोरेला रेंज में केमची और आमाडोब इलाके में सात हाथियों के दल ने दस्तक दी है और आसपास के इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के दल में गेमची और आमाडोब इलाके में दो ग्रामीणों के घरों को तोड़फोड़ दिया। आधा दर्जन फसलों को जमकर नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों के दल बीते 12 दिनों से अचानक गमार टाइगर रिजर्व में डेरा जमाए हुए हैं और अन्य इलाकों में भी पहुंच रहे हैं और वहीं वन विभाग के अधिकारी हाथियों की मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं और गांव के लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश में 9 और 10 सितंबर को जोरदार बारिश के आसार है। जबलपुर शहडोल संभाग में बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। इंदौर उज्जैन भोपाल संभाग में भी झमाझम बारिश के आसार जताए गए। सराबद में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मूसलाधार बारिश से प्रमुख मार्गों की हालत खराब हो गई। गजानन आश्रम के सामने सड़क तालाब में तब्दील हो गए। गौमू घाट का नाला उफान पर नजर आया। करीब आधा दर्जन बाइकें वहां पर बह गई। दरअसल ओंकारेश्वर समेत आसपास के क्षेत्र में कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। अंबिकापुर के शहर के सबसे व्यस्त जयस्तंभ चौक पर जामा मस्जिद के सामने सालों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मस्जिद के सामने गणेश उत्सव सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक सबसे पुराने जामा मस्जिद के सामने 40 सालों से जागृति सेवा मंच की तरफ से गणेश उत्सव मनाया जा रहा जो कि भाईचारे और सौहार्द की एक मिसाल देखने को मिलती है। कई सालों से यहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। रतलाम में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की चारों तरफ धूम नजर आई। जगह जगह गणेश पंडाल सजाए गए। कई स्थानों पर भजन संध्या का आयोजन भी हुआ तो कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे। पंडालों में भगवान गणेश की आकर्षित श्रृंगार भी किया गया है। रतलाम में 400 से अधिक स्थानों पर गणपति बप्पा विराजमान है और भजन संध्या का आयोजन भी हो रहा है।
मेवात के पिंगवा स्थित पापड़ा रोड पर मदरसा से एक 15 साल का छात्र सोमवार को लापता हो गया। बच्चा मामले का गांव में जिसे काफी तलाश किया गया लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने तीनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों को परिजनों के हवाले भी कर दिया। पुलिस ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। अंबाला के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन बंदी फरार हो गया जिसके बाद अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया। बंदी चोर के मामले में पिछले काफी दिनों से जेल बंद था जो पिछले दिनों से तबीयत खराब होने से सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। फरीदाबाद के खेड़ी पुल के पास बंदूक की नोक पर बदमाशों ने युवक से लूटपाट की। घटना बीती रात की बताई जा रही। बदमाश कार सवार युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की और उसे लूटकर फरार हो गए। पानी और शिवरेत की समस्या को लेकर नगर पार्षद व प्रधान लामबंद होकर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षदों ने कूड़े कटकट को ट्रॉली भरकर जन स्वास्थ्य विभाग में भी पलट दिया। कोसली के नया गांव बहाला में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। भेड़ों के बाड़े में आवारा कुत्ते ने झुंड ने हमला कर दिया। वहीं आवारा कुत्तों के हमले से 20 भेड़ों की मौत हो गई है जबकि कई घायल भी हो गए। शहर से बाहर हुआ था बाड़े में मालिक का परिवार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा सीट में विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया है। वे लखनऊ में वोटिंग में शामिल होने जा रहे थे तभी रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। जानकारी के मुताबिक सिंदौली के पास बीजेपी विधायक अरविंद गिरी को चलती गाड़ी में हार्ट अटैक आया जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना पर 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस मौके पर शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देश के बीच रक्षा व्यापार और नदी जल बंटवारे समेत प्रमुख क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि वो भारत की 4 दिवसीय दौरे पर आई हुई हैं। बता दें कि शेख हसीना 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंची। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा हमेशा से एक अच्छा दोस्त है। मैं भारत बांग्लादेश के बीच एक अच्छा सकारात्मक वार्ता की अपेक्षा करती हूं। उन्होंने कहा कि हमारा देश जब आजाद हुआ तब भारत और भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया। उस दौरान किए गए भारत के योगदान का मैं शुक्रिया करती हूं। शेख हसीना ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों के मुद्दे, गरीबी उन्मूलन और अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। हम दोनों देश एक साथ काम करते हैं ताकि पूरे दक्षिण एशिया में लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है दिन के सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस के दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत की आर्थिक हालत स्थिर रही और भारत दुनिया के भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर के सामने आया। गोयल ने कहा कि भारत की मजबूत पकड़ रखी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में विकास सबसे अधिक बना हुआ है। दुनिया के अन्य हिस्सों में विशेष रूप से विकसित देशों की तुलना में भारत में मुद्रा स्फीति अपेक्षाकृत कम है। पीयूष गोयल ने कहा कि जब दुनिया कोरोना महामारी के प्रभाव से निपट रही थी तब भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई थी। गोयल ने आर्थिक सुधारों की बात करते हुए आईसीएआई से अपील की है कि वो अपने ग्राहकों के लिए निवेश से जबरदस्त अवसर पेश करें और ब्रांड इंडिया के एम्बेसडर भी बने। पीयूष गोयल ने अपील की है कि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समेत प्रसार भी करें। 7 सितंबर को शुरू होगी कांग्रेस की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा। 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। यात्रा में 117 नेता शामिल होंगे। 150 दिन में तय होगा पूरा सफर। बिहार में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बता दें कि बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी की यह पहली मुलाकात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद बाहर निकले सीएम नीतीश ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं।
दिल्ली के शराब घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी रेड मारी। जानकारी के मुताबिक शराब कारोबारी जांच एजेंसी के निशाने पर है। दिल्ली शराब घोटाले में 30 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। शराब घोटाला केस में ईडी की देशभर में हो रही छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की रेड में कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई की रेड में कुछ नहीं मिला था। देश में जो शिक्षा का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने दिल्ली के राजपथ का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब यह राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को एनडीएमसी की अहम बैठक होने वाली है। इस दौरान सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मरीज के लिए डॉक्टर उस समय भगवान बन गया जब ठीक सामने बैठे मरीज का दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने समय रहते उस व्यक्ति का इलाज कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मरीज को बातचीत के दौरान ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं। बारिश के बीच सोमवार को रामबन के मेहाड़ में एक कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन हो गया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 4 बजे से बंद हो गया। 9 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। यूपी के जालौन में एक होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच मारपीट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा। बीच सड़क हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। होमगार्ड और कांस्टेबल की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए होमगार्ड और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। आदेश में कोरोना के 4,417 मामले दर्ज हुए। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 52,336 हो गई है। अब तक देश में कुल 5,28,030 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 135 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 257 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53 नए मामले आए, वहीं 119 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दक्षिण कोरिया के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान हिनाम नोर ने भारी तबाही की है। वहीं इस तूफान के चलते जगहों पर पेड़ और सड़क टूट गए हैं, साथ ही लगभग 20,000 घरों की बिजली भी गुल हो गई। कोरिया सरकार ने तूफान को देखते हुए पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे और हादसों से बचने के लिए सरकार ने कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के बुरकानी फासो इलाके में आईईडी विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई, 37 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।